जालौन में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। नियमों की धज्जियां उड़ाते पट्टा संचालक एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। मामला जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के बधोली खंड संख्या 5 का है, जहां पट्टा संचालक ने मोरंग में अधिक मुनाफे के चक्कर में नदी की जलधारा को ही रोक दिया। इतना ही नहीं, नदी में भारी भरकम पोकलेन मशीनों से खनन किया जा रहा है, जबकि पोकलेन मशीनों से खनन प्रक्रिया को प्रतिबंधित किया गया है। नियमों को ताक पर रखकर ये मोरंग माफिया का अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। वहीं मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी पूनम निगम ने बताया कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए एसडीएम और सीओ की एक संयुक्त टीम को लगाया गया है, जो कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाती है। इसके अलावा यदि जिले में अवैध खनन का कोई भी मामला सामने आता है तो नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। बालू से लदे ओवरलोड ट्रकों को लेकर जब आरटीओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार चयन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपकी जरिए सूचना लगे तो एक बार फिर चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोड ट्रकों पर कार्यवाही की जाएगी। लगातार ओवरलोडिंग हो रही है, इस पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, हम लोग टास्क फोर्स है, जिसमें एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं और माइनिंग अफसर हैं। हम टास्क फोर्स द्वारा ओवरलोडिंग विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और टास्क फोर्स इतर भी करते हैं। हम लोग जब भी निकलते हैं तो ओवरलोड के जो भी वाहन होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जैसे कि पिछले महीने ही 42 लाख रुपये जो है वो ओवरलोड वाहनों से हम लोगों ने जुर्माना वसूला है और इस महीने भी अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है और 47 लाख रुपये हम लोग 15 तारीख तक वसूल सकते हैं। नहीं, विभाग निष्क्रिय नहीं है और जो भी क्या करते हैं ओवरलोडिंग के संबंध में क्या करते हैं गाइडलाइन है सरकार की, उसको पालन कराया जा रहा है और जो भी करते हैं ओनर्स जो हैं ओवरलोड वाहन निकल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन कार्रवाई में उनको कार्रवाई हमारे विभाग द्वारा भी होती है और माइनिंग फीस का भी जो जुर्माना होता है वो भी वसूला जाता है और जो आपके कमर्शियल टैक्स का जो जुर्माना होता है वो भी वसूला जाता है। कार्रवाई लगातार करते हैं और आपको बता दें कि जो ओवरलोडिंग के अभियान में जो हमारी कार्रवाई है वो प्रदेश के ऊपर के क्या करते हैं जो 10 जिले किए जाएंगे उसमें क्या कार्रवाई कर रहा है। अवैध खनन के संबंध में लगातार एसडीएम और सीओ की टीम रात भर छापे मार के कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। मैडम, कई वीडियो भी सामने आए हैं जहां मशीनें भी चल रही हैं और एनआरसी ट्रक भी निकल रहे हैं। आपके माध्यम से भी एक शिकायत संज्ञान में आई है, इसके हमने जांच कराने के लिए आदेश दे दिए। जैसी भी स्थिति पता चले कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।